मैं जब दीन सीखने नया नया शुरू हुआ ना, तो मैं अपने असातिज़ा के आगे ना बहुत बोलता था। मैं मुझे समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आया हुआ था ना, तो हमारे यहाँ बीइंग बोल्ड इज टू बी बीइंग वेरी यू नो, हमारे यहाँ बोल्ड होना, ज्यादा बोलना वेस्टर्न मतलब इट्स यू नो इज वेरी चार्मिंग यू नो, ये वाला हम कह देते। उस्ताद जी हंसते थे, मैं हमेशा ना उस्ताद जी के आगे अपनी बहुत ज्यादा ना फजूल की भी बीच में मस्ती भी चल रही है ये भी वो। वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि हुसन ये है मेरे अंदर नहीं है, ही इज ब्यूटिफुल आई एम नॉट। मैं आहिस्ता आहिस्ता खामोश होना चाहूंगा, इस हद तक कि मुझे एक शख्स ने हमारी मस्जिद में एक बड़ा अच्छा जुमला कहा जहां मैं नमाज पढ़ता था अपने इब्तदाई साल। उन्होंने कहा बेटा जिसे इल्म आ जाता है ना उसे चुप लग जाती, खामोश होना सीखे। जिनके पास इल्म है ना आज वो ज्यादा बोलते ही नहीं, आपको मिलेंगे भी नहीं ज्यादा आगे। तो उनका उनका मसला ही ये है कि उनके नफ्स के तस्किए ने उनको उस इल्म से डराया है, इल्म से खामोश कराया। और इल्म की पहली शान ही यही है कि जब ये आपको आता है ना तो आपको पता चल जाता है कि आप जाहिल कितने। मैं जानता हूं मुझे क्या आधा इल्म क्या है जानना कि मुझे क्या नहीं आता। गहरा नुक्ता है, नोट करिए, यूज़कीम से आगे वाला थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं, आई एम अबाउट टू टेक अ स्विच देयर। इल्म आधा इल्म जानना मुझे क्या नहीं आता, और आधा इल्म जानना कि मैंने क्या जानना है, ये कोई इल्म नहीं होता कि मुझे क्या आ गया है। इल्म सिर्फ ये जानने का नाम है कि मुझे क्या नहीं आता।